मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। आने वाले समय में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। संभावना है कि 15 नवंबर के बाद कभी भी पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है। नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम संस्कृति परिवार से आपके लिए लाते रहेंगे। अब बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। त्रिस्तरीय मतलब इसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत चुनावों की घोषणा आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हो सकती है। होशंगाबाद में आज ही निर्वाचन 2021 के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर नीरज सिंह ने एक बैठक ली, जिसमें सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि निर्वाचन के लिए कर्मचारियों, वाहन और अन्य साधनों का सहयोग जरूरी है। इनके सहयोग से ही पूरी जो प्रक्रिया है पूर्ण हो पाएगी। निर्वाचन कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की आवश्यकता होगी तो उसे विभाग से तुरंत कार्यमुक्त किया जाए, इसकी तैयारियां भी प्रशासन कर चुका है। सभी कार्यालय प्रमुख अपने और अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध वाहनों की जानकारी निर्वाचन कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराएं। यदि वाहन खराब है तो विभागीय मद से उनकी मरम्मत भी की जाए। सभी विभागों में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी NIC के माध्यम से फ्रीज कराई जाए। इसके साथ ही सभी कार्यालयों में उपलब्ध संसाधन जैसे कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन की जानकारी भी निर्वाचन कार्यालय को दी जाए, जिससे मांग होने की स्थिति में निर्वाचन कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर उसे तत्काल उपलब्ध भी कराया जा सके। निर्वाचन के दौरान कार्यालय से संबंधित शिकायत और समस्याओं का तुरंत निराकरण भी किया जाए और उसका प्रतिवेदन भी कार्यालय को दिया जाए। कलेक्टर नीरज सिंह ने सभी कार्यालय के प्रमुखों को निर्देशित भी किया है कि निर्वाचन की सूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। निर्वाचन अवधि के दौरान विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जारी निर्देशों का समुचित पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही निर्वाचन संबंधी सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। लापरवाही एवं आदेशों की अवहेलना की स्थिति में निर्वाचन नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में सभी कार्यालय अपने अधीनस्थों को अपने स्तर से शासन द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत भी कराए। जब जिला प्रशासन इस तरीके की बैठक ले रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं, इससे स्पष्ट नजर आता है कि प्रशासनिक महकमा पंचायत चुनावों के लिए कमर कस चुका है और आचार संहिता की घोषणा होने के पहले ही प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी तरीके से मुस्तैद रखना चाह रहा है। आने वाले समय में 15 नवंबर के बाद हम देख सकते हैं कि कभी भी आदर्श आचार संहिता पंचायत चुनावों को लेकर लग सकती है।